हाथ में ये पतवार संभाली जाए, अपने ही हाथ में ये पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है ये नाव बचा ली जाए। नमस्कार दर्शकों, कोना मन का में आपका पुनः स्वागत है। दर्शकों, हमारे आज के अतिथि भारतीय प्रसारण सेवा अधिकारी रह चुके उप महानिदेशक आकाशवाणी, पूर्व निदेशक आकाशवाणी दिल्ली, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय प्रसारण सेवा आकाशवाणी, मीडिया विशेषज्ञ, कमेंटेटर, लंदन में अंतर्राष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान सहित दर्जनों सम्मान आपकी झोली में है। 7 विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी एक एवं परीक्षक के रूप में आप संबद्ध हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए दर्जन से अधिक पाठ्यपुस्तक इकाइयों का लेखन। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब लाहौर बस से गए तो आप साथ गए थे। प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में एक दर्जन से अधिक देशों में आपने काव्य पाठ किया है। 30 से अधिक काव्य विधाओं में रचना कर्म किया। वेनेजुएला में विश्व कविता महोत्सव में भारत से एकमात्र कवि, हमारे आज के अतिथि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप न केवल कवि लेखक बल्कि मीडिया विशेषज्ञ, स्तंभ लेखक, संपादन और भी बहुत कुछ। तो हम जानेंगे अपने अतिथि के बारे में, तो चलिए शीघ्र ही आमंत्रित करते हैं अपने आज के अतिथि को, जिन्होंने दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजलों को आगे बढ़ाया। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोना मन का में। 35 साल आपने आकाशवाणी में काम किया है, 27 साल आप नेशनल प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके साथ तमाम सक्सेस स्टोरीज रही होंगी, जो जुड़ी रही होंगी। एक तो मैंने रिक्शे वाली सुनी है, हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। जी 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 सबसे पहले बहुत आभार आपका। और देखिए, सक्सेस स्टोरीज की बात इतनी सी है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो आकाशवाणी बहुत ही सशक्त माध्यम था। ग्वालियर मैंने ज्वाइन किया सबसे पहले 1980 में, तो कोई दूर तब कोई चैनल थे ना, कुछ ये सोशल मीडिया था ना कुछ था, तो घर घर रेडियो सुना जाता था। रेडियो की ताकत थी। वो जो रिक्शे वाली कहानी थी वो यही थी कि मैं कानपुर से आया था, कानपुर मेरा घर है, तो ग्वालियर में तो 3 जगह पर टेम्पो चलते थे, और तो एक टेम्पो ने एक खास जगह पे आपको उतार दिया, फिर आपको सामान लेके दूर दूर तक जाना है, और रात में वो बंद हो जाते थे नेचुरली, तो फिर किसी को कहीं जाना है, अस्पताल जाना हो कुछ, तो क्या करे। तो मैं ये था कि रिक्शा अगर चल जाए तो थोड़ी सहूलियत हो जाए लोगों को, तो बस वो एक जिसको कहते हैं कि पहले वहाँ की समस्याएं उभारी, फिर वहाँ के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उनको बुलाया, डिस्कशन किया, फॉलोअप हुआ, तो कुल मिला के रिक्शा चल गया। किसी प्रिंसली स्टेट में, पूरे भारत में कहीं जो प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ राजा का शासन था, वहाँ रिक्शे नहीं चलते थे, तांगे ही चलते थे। तो वो एक लोगों ने, तो वो एक हो गया। इसी तरह जब बीकानेर गया तो वहाँ भी एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसकी वजह से वहाँ के 4-5 किलोमीटर के दायरे में वो जो बस्ती थी, झिझी बस्ती, दलितों की बस्ती थी, तो वहाँ पर सीवरेज सिस्टम आया, सब कुछ हुआ। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा, जहाँ भी गया वहाँ की चीज़ों को समझा, और एक माध्यम था मेरे पास जो बहुत शक्तिशाली था, जिससे कोई तो उसका मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। मैंने ब्रॉडकास्टिंग को नौकरी की तरह कभी नहीं किया, उसको एक मिशन की तरह किया। अब दिल्ली में जैसे आए तो यहाँ तो पूरा एक राष्ट्रीय एक परिप्रेक्ष्य मिला, तो अब जैसे पूरे अब चूंकि और मेरे इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं, मतलब इशारा तो है, ये तो आकाशवाणी को जाता है। मसलन पूरे भारत में जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अलग से अगर विंडो हैं या उनका रिजर्वेशन किया जो भी है, तो वो हमारे आकाशवाणी दिल्ली की ही देन है, फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन वो मेरा नहीं था उसमें, तब मैं नहीं था, लेकिन मेरे आने के बाद कुछ कुछ हैं जो बताता हूँ आपको। मसलन
पूरे भारत में जो रेलगाड़ियां हैं उसमें जो दो जनरल डिब्बे पहले लगते थे वो अब चार लगते हैं। वो मेरे कार्यक्रम की ही बात नहीं, एंकर कर रहा था, रेल मंत्री आए हुए थे, उन्होंने वही घोषणा कर दी थी कि अब से दो की जगह चार डब्बे लगेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे बता सकते स्टोरीज मेरे साथ जुड़ी हैं, अब उनको बताने चले तो पूरा कार्यक्रम इसी में निकल जाएगा। और वो क्या है कि एक फोन इन कार्यक्रम हुआ, एक यूनेस्को ने एक कार्यक्रम किया था मीडिया कैन चेंज, ये टाइटल था, तो सारे चैनलों के भी लोग आए थे। हम आकाशवाणी तरफ से मुझे भेजा गया था, तो मैंने वहाँ एक वो इसका रिकॉर्डिंग भी सुनवाई थी कि कैसे 30-35 साल से पानी के पीने के पानी की समस्या पुरानी दिल्ली के एक इलाके की थी, और मुख्यमंत्री भी आई हुई थी, और वो फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे 8-10 दिन के अंदर सारा पाइपलाइन बदल गया, सब हो गया, और उनको जो 35 साल से 30-35 साल से ऐसा दूषित पानी पी रहे थे उनको अच्छा पानी मिलने लगा। तो इस तरह की कहानियां हैं, और जैसे एक बहुत सारे लोगों को अब वो रक्तदान की बात है, जरा सा कहीं से कुछ आता था, एक फोन जैसे ही रेडियो से बताया जाता था तो सैकड़ों लोग रक्तदान के लिए उनके फोन आ जाते थे। एक दफे सुबह 8:30 बजे मुझे घर पे फोन आया कि 10:30 बजे एक बच्ची का ऑपरेशन होना है, और अगर ये प्लेटलेट नहीं मिल रही है और नहीं मिली तो बच्ची की जान भी जा सकती है। मैंने वही सारे जो कायदे कानून होते हैं उनको छोड़ छाड़ के सीधा फोन किया दूसरी रूम में कि भाई ये नंबर है, आप इसको अनाउंस कर दो। देखते देखते वो उसको जो है वो रक्तदाता जुट गए, और उनका जी उस बच्ची का जीवन बच गया। उनके जो डायरेक्टर थे उनका फोन आया, और फिर वो तो ऐसे मतलब दर्जनों सक्सेस स्टोरीज तरह तरह की हैं। और तो वो अब यही है कि जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप एक समस्या को लेते हैं, देखते हैं, उसको राष्ट्रीय मंच पर आप सामने लाते हैं तो चीजें आसानी से हो जाती हैं। जी सर देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में जीते हैं, अगर उसमें होने वाली समस्याओं को हम बखूबी समझ लेते हैं और अपने जिस जॉब में हैं उसमें रह करके अगर हम कुछ बदलाव लाते हैं, तो शायद सही मायने में चेंज मेकर वही हैं, आप ही हैं, कि आपने इतने बड़े बड़े बदलाव किए कि जो रिक्शे रिक्शे की बात सुनाई आपने, ट्रेन की बात बताई कि ट्रेन में डिब्बे लगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आमतौर पर लोग ऐसा करते नहीं है, अपने काम को काम की तरह देख करके ही बस छोड़ देते हैं। अच्छा लगा सर, आप कमेंट्री के क्षेत्र में काफी समय से जुड़े रहे हैं और 150 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में आपने कमेंट्री की है। सुना है आप लाहौर भी गए जब अटल जी बस लेकर गए थे, उसका जी 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 उसके बारे में कोई कुछ सुनाइए, कोई घटना, कोई किस्सा या कोई बात। हाँ जी। मैंने गिना तो नहीं है, लेकिन हाँ 150 के आसपास कमेंट्री हो गई होंगी। किस तरह तरह की कमेंट्री होती है आप जानते हैं, उसमें धार्मिक भी है। अयोध्या से मैंने कितनी बार भगवान श्री राम के जन्म का आपको देखा सुनाया, कनक भवन से होती है वो कमेंट्री, और जितने बहुत सारे जो उनका शपथ ग्रहण है प्रधानमंत्रियों का, राष्ट्रपतियों का, या उनकी जैसे मदर टेरेसा की अंतिम यात्रा, या बहुत सारे लोग, तो वो वाली कमेंट्री भी की, तरह तरह की कमेंट्री हुई। तो उसमें जो लाहौर की आप बात कर रही हैं वो बहुत यादगार कमेंट्री है मेरे लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही कि आप पाकिस्तान का जब नाम आता है तो हम समझते हैं कि क्या किस तरह की वैसे भावनाएं रहती हैं, लेकिन कितना प्यार मिलता है। देखिए राजनीति अपनी जगह है और वो सब जो वहां पर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो आम लोग हैं इतना प्यार इतना सम्मान देते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्हें पता लग जाए कि भारत से आए तो पैसे नहीं लेते दुकान वाले, और जिस टैक्सी में चल गए तो रफी साहब का गाना चल रहा होगा, लता जी का गाना चल रहा होगा, जहाँ मतलब। तो वो एक घटना यही हुई कि जो लाहौर का स्टेशन था रेडियो स्टेशन लाहौर, वो हमारा मेजबान था, सारी व्यवस्थाएं उसी को करनी थी, ये इंटरनेशनल पैक्ट है। तो हम लोग के एक दिन पहले जब अटल जी को वहां पहुंचना था और समारोह होना था, हम तो उससे पहले पहुंच गए थे, एक दिन पहले हम गए थे वो देखने के लिए जहां पर ये कमेंट्री होनी थी। तो रास्ते में उनकी कार खराब हो गई, कार खराब हो गई तो एक वो इलाका वैसे ही था, मतलब ग्रामीण जैसा इलाका था, फिर एक कोई ढाबा जैसा था वहां हम लोग रुक गए। हमें पता लगा तुरंत वो जाने कहाँ कहाँ से चारपाइयां आ गई, लोग आ गए, लोगों ने घेर लिया कि अरे, और खुशी से इतना मतलब उसे तो बातें होने लगी, तरह तरह की बातें हो रही थी। तो खैर वो जब फोन कर दिया गया था लाहौर स्टेशन से, उन्होंने दूसरी कार भेज दी। इस बीच में कोई आधा घंटा करीब वक्त हो गया होगा,
अब हमारे इंजीनियर साथ में थे तो उन्होंने कहा चलते हैं, तो वो लोग हाथ जोड़ने लगे कि नहीं नहीं देखिए आपके लिए हमने चाय मंगवाई, वो मोटरसाइकिल से जाने कहाँ से दूर से उन्होंने चाय मंगवाई। मैंने कहा देखो इनकी मैंने भावनाओं को वो खेत नहीं पहुंचाते, हम लोग थोड़ा और रुक जाते हैं उनकी चाय पी के चलते। फिर वो चाय वगैरह पी करके हम गए, तो वहाँ जो जब कमेंट्री वाले थे तो वहाँ के जो पाकिस्तान वाले जो थे वो हमारे लिए बिल्कुल शाकाहारी जो है चीजें बनवा के लाए थे अलग से विशेष करके। तो और जो मिलता था कुछ तो वो बाकायदा रोने लग जाते थे, कोई वहाँ पे संगीत का कार्यक्रम था तो वो जो बुजुर्ग कोई तबला वादक या वो है तो वो सब पुरानी यादें कर करके वो सब तो बहुत भावुक हो जाते हैं हमारे सम्मान में। मतलब भारतीय डेलीगेशन जो था इंडियन डेलीगेशन उसके सम्मान में वो, अभी तो मैं जवान हूँ, मल्लिका पुखराज जी का गायन उनकी बेटी ताहिरा सैयद ने गायन किया, और कुल मिला के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी बहुत शानदार थी। बहुत सपने जगे थे कि शायद बहुत शांति हो जाए और बहुत अच्छा रहेगा, वातावरण तो इसी तरह का था, लेकिन बाद में कारगिल हो गया और सब बेकार हो सारा वो बेकार हो गया मामला। लेकिन अब एक अच्छी बात ये हुई कि जब हमारी वापसी थी तो हमारा हमारा पिजवान जो है वो हमारा जो टैक्सी वाला था बहुत चालाक था, वो लाहौर के अंदर अंदर के इलाकों से, क्योंकि अटल जी जा रहे थे तो सारे रास्ते उसी तरह से ब्लॉक हो गए थे, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से शॉर्टकट से निकाल के उसने हमें पहुंचा दिया। ठीक इसी तरह देवानंद साहब जो है वो उनका वो भी जल्दी पहुंच गए, तो अब हम और देवानंद सिर्फ थे और देवानंद जी से खूब बातें होती रही हुए ऐसे। मतलब अब मैं देवानंद जी को देख रहा हूँ कि चार पीढ़ियां उनकी जो है वो थी प्रशंसक थी, मैं भी उनका प्रशंसक, लेकिन पता नहीं लगने पाया कि ये देवानंद जी वही वाले देवानंद जी, उतने इतने प्यार से इतनी आत्मीयता से जैसे कोई मेले बिछड़े भाई मिल गए हों। तो वो हमारी 15-20 मिनट तक खूब चर्चा होती रही, मुझे लग रहा था कि कैसे इनसे, उस सेल्फी का जमाना तो था नहीं, मोबाइल थे नहीं, फिर उनसे मैंने कहा भाई मैं आप मेरे बेटे के लिए, मन तो मेरा ही था लेकिन मतलब वो जिस हम स्तर पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। तो वो भी एक बहुत शानदार एक अवसर था। तो लाहौर की तो बहुत सुखद यादें हैं मेरे साथ जी। यही नहीं सर, आपने तो सुना कि 11 प्रधानमंत्री, 7 राष्ट्रपति, 100 से अधिक स्वाधीनता सेनानी, मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, 16 भारत रत्न प्राप्त लोगों से आप मिले, और कई प्रसिद्ध, जैसे आपने अभी देवानंद साहब का जिक्र किया कि कई जानी मानी हस्तियों से, फिल्मी हस्तियों से आपकी मुलाकात होती रही है, तो आपका क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा, और अपने इस कार्यकाल के दौर में आप अपने काम को ना केवल एंजॉय कर रहे थे बल्कि उसमें कुछ कुछ इनोवेटिव भी करते रहते थे और लोगों से मुलाकात भी करते रहते थे, तो इतने लोगों से जब आप मिले होंगे, जब जब भी, कैसा अनुभव किया होगा आपने उस क्षण? जी, देखिए अब जो 11 प्रधानमंत्री वाली बात है तो मतलब क्या है कि कुछ से मिलना, जैसे इंदिरा जी ग्वालियर आई थी, मैं ग्वालियर पोस्टेड था तो प्रोटोकॉल के नाते हमने एयरपोर्ट, उनका कार्यक्रम नहीं था, उनको वहां से विमान बदलना था, तो बिल्कुल सीधे सीधे वाली नमस्ते हो गई वो निकली सबसे, मतलब इतने जैसे ही खबर लगी पूरे शहर में, उनका कोई कार्यक्रम नहीं था सार्वजनिक, लेकिन कैसे लोग खबर हो गई और सैकड़ों लोग वहां पे जुट गए, हजारों लोग। तो इंदिरा जी ने कहा कि नहीं नहीं अब हम सबसे मिलके ही जाएंगे, तो वो वैसे ही देखता झूठ मूठ का एक जैसे होता है ना एक डोरी सी बांध दी गई और हजारों लोग यहाँ से वहां तक दूर दूर तक इंदिरा जी सबसे मिलते हुई, तो बिल्कुल उनको तो एक मतलब बालिश ऐसे बिल्कुल इतनी सी दूरी पे नमस्ते हुई। तो ये हुआ राजीव गांधी जी जाए थे प्रधानमंत्री थे, तो उसी मंच पर मैं बैठा था कवरेज के लिए, मैं था मेरे साथ एक इंजीनियर, तो वो हुआ। तो इस तरह को कुछ प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने स्टेज शेयर किया, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे जाहिर बात है अटल जी से कम एक दर्जन मुलाकात है मेरी, क्योंकि राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में नेशनल चैनल पे जब भी कोई बड़ा बड़ी कोई बात हो तो मैं उनको बुलाता था, उन्होंने कभी मना नहीं किया उनके, और उल्टा हो गया कई दफे कि उनका जो जो थे जो उनका देखते थे कोई एसडी या जो भी, तो वो तुरंत हामी भर देते थे, मतलब कि अटल जी का हाँ हाँ ठीक है, अटल जी की टक्कर के लोग ढूंढने पड़ते थे कि भाई अटल जी आ रहे हैं तो डॉक्टर करण सिंह हो, बसंत साठे साहब हो, तब देखिए राजनीतिक वे सब नहीं था, बड़ा बहुत सद्भावना का माहौल होता था, तो अगर नहीं मिल पाते थे तो उनको हम कहते थे वापस भाई हमें उनके टक्कर के लोग नहीं मिल पा रहे तो हम इसको स्थगित करते हैं। तो अटल जी कई बार राष्ट्रीय चैनल पे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा पे आए, फिर और ग्वालियर में तो मैं वो आए थे तब उनके साथ मंच साझा किया कवि के नाते, वो उनके सम्मान में जो गोष्ठी हुई थी,
ये सिलसिला चलता रहा। मतलब कुछ कुछ को कविता के नाते जानता हूँ, गुजराल साहब के साथ मंच साझा किया, उनको उनको भी बहुत बुलाते थे हम। तो इस तरह 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 के मतलब वो रहे। राष्ट्रपतियों का भी वही है कि वो राष्ट्र के नाम संदेश के वजह से। अब कलाम साहब से 6 बार में मेरी मुलाकात है कम से कम, अलग अलग तरीके से। तो ये सब। और जहां तक स्वाधीनता सेनानियों की बात है, मैं जहां जहां भी रहा वहां के स्वाधीनता सेनानियों को खोज खोज के मैंने उनके साक्षात्कार किए। अब ग्वालियर में था तो आजाद हिंद फौज के जो सैकल ढिल्लन शाह नवाज, लाल किले से आई आवाज, सैकल ढिल्लन शाह नवाज, लाल किला तोड़ दो, उनको सेनानियों को छोड़ दो, इस तरह के नारे गूंजते थे। तो वही तीन जो हमारे सेनानी थे, तो उनमें से ढिल्लन साहब वहीं शिवपुरी में रहते थे, तो उनके साथ बहुत अच्छा संपर्क रहा। मेरे घर भी आए और फिर वो उनका साक्षात्कार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुआ। मैं जब दिल्ली गया तो फिर से उनसे मतलब उनसे रिकॉर्डिंग उनकी मंगवाई और उनसे मैंने एक किताब लिखवा ली। ऐसे रोमांचक अनुभव थे उनके पास। तो उन्होंने कहा कोई राइटर नहीं हूँ भाई, तो पर मैं पीछे पढ़ पढ़ के, फिर उन्होंने उनकी एक चिट्ठी आई कि वाजपेयी जी मैं प्रॉमिस करता हूँ बिना लिखे मैं मरूंगा नहीं। तो फिर उनकी किताब भी आ गई। तो इस तरह ये सिलसिला निरंतर। दिल्ली आया तो सबसे पहला इंटरव्यू मैंने मन्मथ नाथ गुप्त, जो जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ वो जो कांड हुआ था आपके लखनऊ के पास की बात है ना, जो वो जो जो ट्रेन वाला हुआ था, वो उस वाले में वो मन्मथनाथ गुप्त भी शामिल थे। तो यही जहां जहां भी रहा वहां के स्वाधीनता सेनानी से मिलता रहा। और फिर जब नेशनल चैनल पे आए तो जो है साहित्य, बड़े से बड़े साहित्यकार, बड़े से बड़े संगीत के महारथी हो, जिस जिस क्षेत्र के। बॉम्बे गया तो मैं 2-3 साल गया तो 21 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए बहुत सारी फिल्मी हस्तियों से, उसमें खय्याम साहब हैं, उसमें तरह, तो वो सब सिलसिला इसी तरह उधर चलता रहा। और बहुत ही मेरे जीवन की बहुत बड़ी, वो इतने सारे लोगों से मिलना बहुत बड़ी पूंजी है। वो भारत रत्न की आपने बात की, पंडित रविशंकर ग्वालियर में आए थे। इस तरह करते करते एम एस स्वामीनाथन जी को अभी मिला, उनके साथ तो मैंने मंच साझा किया, उनका एक सेमिनार था वो कृषि मंत्रालय उनकी तरफ से, तो उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था बोलने के लिए। और उनको मैंने किसी सेमिनार में बुलाया था ब्रॉडकास्टिंग डे पे, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत योगदान है आकाशवाणी का। तो ये इस तरह का वो एक मेरे ईश्वर की कृपा है कि इस तरह मुझे अवसर मिले। और आप मेरा सौभाग्य देखिए कि मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला और आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। कोना मनका के लिए ये सौभाग्य की बात है। सर, आपने 30 से अधिक काव्य विधाओं में रचना कर्म किया है, ठीक है। वेनेजुएला में विश्व कविता महोत्सव में भारत से आप एकमात्र प्रतिनिधि कवि थे, और प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में आपने 1 दर्जन से अधिक देशों में कविता पाठ भी किया, और लंदन की एक शाम का जिक्र आपने करा था एक बार कि लंदन में 2010 की एक शाम। तो आप हमें दो सवालों का जवाब देंगे, एक तो वेनेजुएला में कविता पाठ और दूसरा लंदन की वो एक अनोखी अद्भुत शाम। जी, देखिए वेनेजुएला में तो मेरे लिए क्या हिंदी मतलब पूरे भारतवासियों के लिए बहुत बड़े उसमें सबक हैं, और वो मैं दो साझा करता हूँ बहुत संक्षेप में आपसे। पहली बात ये थी वेनेजुएला के विश्व कविता महोत्सव तो में, चूंकि भारत से मैं अकेला था, तो जी मैं ये मतलब बड़े गर्व से बताना चाहूंगा कि भारत हमेशा अव्वल रहा है। मतलब वहाँ तालियां तो बस तालियां भी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ जैसे वाह वाह होता है वहाँ ब्रेवो होता है। तो उद्घाटन समारोह में जब मेरी कविता पाठ हुआ तो वहाँ बहुत इतना ब्रेवो और इतनी तालियां गूंजी, लेकिन वहाँ तीन कवि ऐसे थे, एक फ्रांस का और एक एक दो और, जो ट्रैक बना के लाए थे, म्यूजिक ट्रैक बना के लाए थे, और वो म्यूजिक ट्रैक चलता था उससे वो जैसे माइकल जैक्सन का गाना नहीं होता, उस तरह स्टेज से घूम के उन्होंने कविता सुनाई, तो वो भी खूब जमे। ये तो ये भी एक बहुत बड़ा सबक था, क्योंकि हिंदी में तो आप देखिए ना कि पूरी जो जो मैं मेरी मतलब मुख्य विधा है गीत गजल, उसको एक तरह से मतलब हाशिए पर कर दिया गया। और जो छंदमुख कविता मैं भी लिखता हूँ वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मुख्य धारा की कविता बन गई, यानी कविता में बिल्कुल लिरिकल पोइट्री को ही खारिज कर दिया गया, भारत की विडंबना है। लेकिन वहां तो मैंने देखा कि वो म्यूजिक ट्रैक पे बाकायदा गा रहे हैं। तो एक सबक ये था। दूसरा सबक ये था कि पूरे 10 दिन जो है मैं वहां के होटल में एक तरह कैदी बन के रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पेनिश भाषा ही थी, अंग्रेजी का कहीं नामो निशान नहीं था।
और मैं 12वीं मंजिल पे था और मेरा वो काम नहीं करे, दरवाजा वो जब खोलते हैं ना तो वो नहीं काम करे, 12 मंजिल से उतर के आओ, फिर कोई दुभाषिया ढूंढना पड़ता था जो जिसको अंग्रेजी, क्योंकि इतना बड़ा कल सम्मेलन था, 50 देशों के कवि थे, तो दुभाषिये बुलाए गए थे अलग अलग भाषाओं के, वो खोज के तब मैं होटल के रिसेप्शन पे जाऊं और वहां से उसको दोबारा से अपने जो ताला खोलने के लिए वो वैलिडेट कराऊं। तो वो एक बड़ा अच्छा, कहीं आप निकल नहीं सकते, देखिए जब कार्यक्रम में जाना होता तो हमें एक महिला दुभाषिया मिली थी, तो चले गए हम कार्यक्रम में और कविता पाठ कराए, लेकिन आप बाहर कैसे निकले क्योंकि कोई एक लफ्ज नहीं जानता अंग्रेजी का। तो वहां के अच्छा दूसरा एक और जो बात है उसमें से, कि पूरे देश में कविता, आप एयरपोर्ट से बाहर आए और कविता महोत्सव के पोस्टर जगह जगह पे, पूरी राजधानी काराकास वहां पे राजधानी, और राष्ट्रीय संस्थान वहां के जितने भी हैं, नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल आर्काइव्स, नेशनल ये वो संस्थान, उनमें कविता, यूनिवर्सिटीज में कविता, और बाजार में कविता, सड़क पे कविता, झुग्गी बस्तियों में कविता, हालांकि उनकी झुग्गी बस्ती के मकान ऐसे थे जिसके लिए यहाँ लोग दिल्ली में BDA फ्लैट के लिए तरसते हैं तो उनकी झुग्गी बस्ती जरा अलग तरह की थी, और तो और फिर वो हर कवि को उन्होंने किसी और प्रांत में भेजा, तो मुझे भी भेजा था, तो एक कविता ही पूरे देश में कविता कविता, वो भी एक बहुत बड़ा सबक था। तो इस तरह कुल मिलाकर, और एक सबसे बड़ा जो सबक मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 4-5 कवि थे जो अंग्रेज, जहाँ अमरीका वगैरह, जहाँ जिनकी भाषा अंग्रेजी थी, बाकी 4-5 देशों के ऐसे कवि थे जिनको टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी। एक जर्मन की कवित्री मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई उस दौरान, और तो वो उसको टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, तो मुझे बड़ा गर्व हुआ क्योंकि मुझे अंग्रेजी लेके हमेशा थोड़ी एक नंबर खूब आते थे, लेकिन एक रहता ही है, गाँव से आता हो तो हीन भावना सी रहती है, लेकिन वहां मुझे अपनी अंग्रेजी पे गर्व हुआ। तो वो भी एक सबक था कि बाकी जो 30-35 देशों के, 40 देशों के कवि थे, उन्हें अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं था। हमारे साथ एशिया की एक कवित्री गई थी कोरिया से, उसको तो अंग्रेजी का नाम सुना था उसने, तो कुछ नहीं आता था कि हाँ अंग्रेजी कोई भाषा होती तो है। तो हमारे जबकि भारत में अंग्रेजी में हम लोग इतना आकंठ डूबे रहते हैं कि अंग्रेजी नहीं है तो जैसे हम कुछ है ही नहीं, सब कुछ अंग्रेजी है, हिंदी जो है ना वो जैसे कोई हिंदी के प्रति उसका सम्मान नहीं। तो बहुत सारे सबक वेनेजुएला से मिले। अब बात आई लंदन की, ये भी एक पूरी शाम थी करीब करीब 2-3 घंटे की, और जिसमें मतलब जैसे किसी ने मेरे से परिचय पढ़ा, और किसी ने उससे, एक समूह था, हमारा ट्रुप था, म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा था, उन्होंने मेरी कविता के आधार पे कुछ म्यूजिक तैयार किया था, एक गजल जो है मेरी गाई हुई गजल वहां पे सुन प्रस्तुत की गई, और तरह तरह की इस तरह की चीजें हुई, और फिर मेरा एकल काव्य पाठ था। तो वो कार्यक्रम 2.5 घंटे का था, और पूरा बड़े खास बात थी कि उसमें 30-35 तो अंग्रेज बैठे हुए थे, मुझे लगा ये, और कोविड बैठे ही रहे, भारत की तरह नहीं कि आए और उठ के चल पड़े, वहां की सांसद भी आई हुई थी, तो वो भी पूरे टाइम वहां पर रही, पूरे टाइम, जैसे भारत में होता है कि आते हैं और अपना थोड़ा बहुत तो बोल बाल के फिर आए और पूरा प्रोग्राम खराब करके बाद आधे घंटे बाद निकल लेते हैं, वहां पूरे मैंने 12 जगह, 10-12 जगह कार्यक्रम हुए, तो मेरे साथ बैठे हैं अंग्रेज, तो बैठे हैं, तो बैठे ही पूरे टाइम तक, उन्हें कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं। तो वो जो कार्यक्रम था पूरे 2.5-3 घंटे का, मेरी शाम से पूरी पूरी मेरे उसके लिए, और वो पहला, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो वातायन अंतर्राष्ट्रीय वातायन सम्मान मुझे जो मिला, तो वो मिल जाता था कभी सम्मेलनों की श्रृंखला के दौरान ही उसको सम्मान दे देते थे। ये पहला अवसर था 2010 में जब वो सम्मान का कार्यक्रम अलग हुआ, और ये पूरी की पूरी शाम जो है ये अलग से हुई। तो ये ये भी जो है बहुत बहुत मतलब ये शाम प्रतीत करता है। जी, सम्मानों की तो फेरिस्त आपकी बहुत लंबी है। आपने लंदन में अंतरराष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान के बारे में अभी बताया। उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, ब्रिटेन, संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान आपको मिला। और भी बहुत सम्मान है। आप कैसे देखते हैं अपने इन सम्मानों को? नहीं, वो सम्मान देखिए वो मिलते गए बहुत से, बहुत सारे सम्मान तो हमने बड़ी विनम्रता कोई पूर्वक जो ऐसा, है हाँ, वो क्योंकि स्वीकार वही किया है जहाँ कोई अपना बहुत करीबी है, क्योंकि हमारा जो कक्षा 6 का पहला पाठ था बालकृष्ण भट्ट जी का, वो था परचित्तानुरंजन, यानी दूसरे के चित्त को प्रसन्न करना। तो ऐसी कोई दबाव जहाँ रहा तो मैंने स्वीकार, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मैंने कोई बहुत तीर मार लिया है, तो वो पिछले सम्मान जो मिल गए वो ठीक है, वो उनको मैंने स्वीकार किया, और वो एक जिम्मेदारी भी लाते हैं, क्योंकि वो हुआ ये है कि जिस तरह लेखन, देखिए मैं जब से आकाशवाणी में आया उसके बाद मैंने कभी स्टूडियो के बाहर का रुख नहीं देखा,
मुझे बहुत सारे कवि सम्मेलनों के जैसे वो मिले, तो मैंने उनको विनम्रता पूर्वक, क्योंकि जाना है आपको पता चला गोरखपुर के बाद, वहां से फिर बस लेके वहां पहुंचना है, तो वो मेरे लिए कभी भी मैंने आकाशवाणी को अपने काम के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। जब कोई इस तरह का अवसर हुआ भाई छुट्टी है और वो आप जाके लौट भी आएंगे तो ठीक, हम कभी कभार चले गए, उसके नाता नहीं तोड़ा मैंने, और या शहर में कभी सम्मेलन है तो वो वहां चले गए, लेकिन ये नहीं किया कि छुट्टी ले लेके और वो महीनों महीनों, मतलब आप, क्योंकि एक सिलसिला चलता था जब मैं आकाशवाणी के आने से पहले, कि आप मिर्जापुर गए तो फिर वहीं से बनारस चले गए, फिर वहीं से फला जगह चले गए, तो एक साथ 4 दिन तक कवि सम्मेलनों में आप हैं और लौट के आ रहे हैं, तो वो जो श्रृंखला थी वो पूरी टूट गई एक तरह से। तो वही वाली बात है, तो सम्मान मिल गए, ईश्वर की कृपा है, जैसे प्रयाग वहां पे मिला, इटावा हिंदी निधि जो है वहां का जो शिखर सम्मान है वो जैसे मान लीजिए मिला, वो इतने बड़ी बड़ी हस्तियों को मिला है, तो तेंदु गौरव इसलिए हाँ सम्मान, तेंदु सम्मान हिंदी अकादमी का बाल साहित्य ओके जी सम्मान, भारत सरकार जी के जी मंत्रालय सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारतीय उच्च आयोग लंदन द्वारा सम्मानित। तो मतलब हाँ सम्मानों की जी जी तो फहरिस्त बहुत लंबी है। जी वो तब मिली जी, मैंने उसको बस इतना ही है कि बड़े वो मतलब ईश्वर की कृपा है उसको मानता हूँ, लेकिन वो सम्मान के मेरे साथ वही रहा कि उसका उल्टा असर वैसा हुआ कि मुझे लगा कि भाई सम्मान के लायक मैंने कुछ नहीं किया तो करना चाहिए, तो ये है लेकिन लेकिन ये ऐसा मैं कोई नहीं आपका, मानता कि मैंने बहुत सम्मान के लायक कोई बहुत बड़ा काम किया है, सीधी सी बात। हाँ ये आपका बड़प्पन है। समय को हम देख रहे हैं, समय थोड़ा कम है हमारे पास, तो हम ये चाहेंगे सर कि चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश किया कहना चाहेंगे आप, क्योंकि अपने अनुभवों से और अपने कार्यकाल के दौरान आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ हासिल किया, जो कि ना केवल हम सबके लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो आप जी हमारे जी जी देखिए, दोस्तों से क्या कहेंगे, कोई अपील? नहीं अपील सिर्फ इतनी है, देखिए कि एक तो ये है कि हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, तो वही है, देखिए वैसे तो देखिए पूरे 800 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और कितने जो भी है, तो वो खाना पीना सोना और ये सब तो सब करते ही है, लेकिन हम इस धरती पे आए हैं तो कुछ अगर अपने लिए कुछ विशेष कर जाएं, उसको अपने को ही संतोष मिलता है, कुछ वो उसका कोई रिकग्निशन मिले नहीं मिले, लेकिन मुझे संतोष मिलता है कि अच्छा इसको मैंने जिन बहुत सारी प्रतिभाओं को जिनको अवसर दिया था, आज वो राष्ट्रीय स्तर पर सितारे बन के चमक रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कोई साहित्य में, कोई मीडिया में, कोई सिनेमा में, तो एक आप खुद एक अपने आप को जितना आप, मतलब कई जगह हम बैठ जाते उसी में संतोष करके बैठ जाते हैं, तो आप जितना अपने को ऊपर उठा सकते हैं तो वो कर सकते हैं, और आसपास जो भी है जिसको किस तरह का आप अगर कोई सहारा, कोई मार्गदर्शन, कोई उसकी मदद या इस तरह का कुछ कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी अपील ये है कि देखिए भारत जो है इतना एक महान देश है, महान उसकी संस्कृति है, तो यहाँ जो है जो अभी जो हम वातावरण देख रहे हैं जिसमें घृणा फैली हुई है, तरह तरह की फैलाई जा रही है बड़े योजनाबद्ध ढंग से, बहुत सारी विकृतियां फैली हुई हैं, और बड़ा देखिए हम भारत में आए दिन जो देखते हैं, जो मेरा सरोकार है बहुत बड़ा जो मैंने आज पूरे जैसे भारत के इतिहास, मीडिया के इतिहास में सबसे पहली बार सड़क दुर्घटनाओं पर कार्यक्रम बनाया, 1.5 लाख लोग हर साल सड़कों पर दम तोड़ देते हैं, 1.5 लाख के आसपास बहुत सारे देश हैं उनको आप जोड़ लेंगे, छोटे छोटे देश हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या से ज्यादा लोग तो हमारे सड़क पे दम तोड़ देते हैं, तो उनको हम बचा सकते हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं पूरे दुनिया में जो है उनमें कई जगह पर हम शीर्ष पर हैं, उनको हम रोक सकते हैं, 95% जा सकते हैं अगर समय पर हम इंटरवीन कर लें, तो इस तरह की कुछ चीजें सरोकार मेरे रहे हैं, तो वही है कि कैसे ये हम घृणा और विकृति और कितनी मतलब झूठ परोसा जाए, ये जो मीडिया आया इतना वरदान बन के हमारे लिए आया, ये व्हाट्सएप जैसे है भाई, उसी में प्रिंट मीडियम भी है, उसी में रेडियो है, उसी में सिनेमा टेलीविजन सब कुछ तो भरा है, लेकिन हमने उसको बर्बाद कर दिया, झूठ फैलाने के लिए, घृणा फैलाने के लिए, विकृति फैलाने के लिए, अश्लीलता फूहड़ता फैलाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हम सबको एक सतर्क नागरिक बन के और अपने देश, हमारा देश क्या कहता है, इसलिए किस लिए हम महान विश्व गुरु हैं, भगवान बुद्ध की वजह से, भगवान ने जो हमें जो नानक ने जो संदेश दिया, जो हमारे महात्मा गांधी ने जो संदेश, उसी ने हमको विश्व गुरु
जैसी महानता तो पूरे दुनिया के नजरों में देखा था। वेनेजुएला में कैसे लोग हाथ जोड़ते, जैसे भारत का नाम आता था वो ग्रेट कंट्री ऐसे बोलते थे। तो वो उसको जो है ना, कहीं ना कहीं हमारे जो जीवन मूल्य भारत के हैं, वो उनको प्रेम, करुणा, संवेदना, मानवीयता, अभी तो हम देख रहे हैं, जो अगर आप देखिए अपराध, जिस तरह के अपराध पहले भी होते थे, हजारों साल से हो रहे हैं, लेकिन अपराध, हम तो चंबल के इलाके में रहे, डाकू थे तो उनकी भी कोई नैतिकता होती थी, उनका भी एक सम्मान होता, तो बागी कहलाते थे अपने को। आज जिस तरह विकृति, जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, कोई रिश्ता बचा ही नहीं जैसे, तो ये बहुत भयानक है। जिस तरह हमारे यहाँ मौतें होती हैं आए दिन, तरह तरह से 5 लाख से ज्यादा लोग यूं ही मारे जाते हैं, यूं ही, जैसे तीन अभी हमारे विद्यार्थी डूब गए जैसे, अब वो सिर्फ लापरवाही की वजह से। तो जी, वो सब चीजें हैं जिन पर हम सबको जाएगा। सोचना चाहिए कि हम एक ऐसा भारत बनाएं जो वाकई सचमुच दुनिया में, जिसके जो है ना हमारे जीवन मूल्यों की कदर हो, सम्मान हो, और एक भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जो पूरे दुनिया को एक रास्ता दिखाए, ऐसा भारत बने। जी बहुत अच्छी बात आपने कही और बड़ी बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हमारी ये बातचीत सारगर्भित रही है सर। हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे और हम आपसे आपकी साहित्यिक पृष्ठभूमि पर बातचीत करेंगे और ये आशा करेंगे कि आप हमारे दोबारा आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। समय सीमा कम है इसलिए हमें आज्ञा दीजिए और आपका पुनः आभार आभार, अभी जी आपका भी आभार, जी सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।